हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और ये आज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग से नंबर ऑफ टॉपिक्स इसके पहले स्टडी किए थे, तो अगर आपने इसके पहले के सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज। फर्स्ट फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन एक्स, सेकंड टॉप व्यू एंड थर्ड साइड व्यू। तो देखिए जो क्वेश्चन में पिक्टोरियल व्यू दिया है वो ये है, ये पिक्टोरियल व्यू से हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अब ये पिक्टोरियल व्यू का क्या अर्थ है, तो ये पिक्टोरियल व्यू इट मीन्स ये एक थ्री डायमेंशनल व्यू है, ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है, हमें ये आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। अब ये आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, सुनिए। आइसोमेट्रिक व्यू इट मीन्स थ्री डायमेंशनल व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू इट मीन्स टू डायमेंशनल व्यू। जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसमें तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस को कंबाइन करके आइसोमेट्रिक व्यू बनता है। और जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है वो दो एक्सिस से बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आइसोमेट्रिक व्यू का यूज करके आप ऑर्थोग्राफिक व्यू बना सकते हैं, उसी तरह से ऑर्थोग्राफिक व्यू का यूज करके आप आइसोमेट्रिक व्यू भी बना सकते हैं। तो ये दोनों व्यू जो है आप आसानी से बना सकते हैं। वैसे आज हम ये आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाना, इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके नंबर ऑफ वीडियोज इसके पहले अपलोड किए थे, तो ये प्रॉब्लम भी उसमें है। ये प्रॉब्लम भी हमने इसके लिए थे जिसमें एक ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया था, ऑर्थोग्राफिक व्यू से हमने ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाया है, ये भी हमने इसके पहले वीडियो बनाए थे। तो इसके पहले के ये आइसोमेट्रिक व्यू के सारे प्रॉब्लम्स अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं, सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये आइसोमेट्रिक व्यू से हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं, इट मींस टू डायमेंशनल व्यू बनाते हैं। तो ये टू डायमेंशनल व्यू बनाते समय आपको हमने पहले कहा था कि जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है, जो टू डायमेंशनल व्यू है, वो दो एक्सिस का यूज करके बनता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दिया है कि ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। और प्रॉपरली अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया था ड्रॉ फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स। देखिए यहां पे कहीं ना कहीं एक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहां पे एक्स लिखा है, एक्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक्स जो डायरेक्शन में दिया है वो डायरेक्शन से देख के आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब आपको ये इधर से जहां एक्स दिया है वहां से देख के आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। इट मींस आप इधर से देख के फ्रंट व्यू बनाएंगे, ऊपर से देख के टॉप व्यू बनाएंगे और इधर से देख के साइड व्यू बनाएंगे। तीन व्यू हमें ड्रॉ करना है। एग्जाम में जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये तीनों व्यू हमेशा ड्रॉ करना ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में अगर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग चलो। क्वेश्चन में कभी लिखा होता है ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, तो ऐसे में आपको सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ करके आना है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों अगर है तो आपको तीनों व्यूज ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे देन उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू जो भी आपको ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करते समय देखिए यहां पे सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय आपको एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता है, इट मीन्स आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। और साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए एक परपेंडिकुलर एक और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होता है, उसको हम कहेंगे एक्स वन वाई वन। सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने का, इट मीन्स एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू के लिए। और ये हमने एक्स वन वाई वन बनाया है रेफरेंस लाइन टू ड्रॉ द साइड व्यू। अच्छा, अब ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहाँ पे ड्रॉ होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखिए। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक मेक के ऊपर नीचे बनता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू या तो ऊपर या तो नीचे ऐसा बनेगा। ये डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ कर रहे हैं या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे आज हम ये जो प्रॉब्लम ड्रॉ करेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू का, इसमें हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का प्रॉब्लम आया तो क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अगर लिखा रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं लिखा रहा तो भी वो फर्स्ट एंगल
एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि सॉल्व दैट बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। क्वेश्चन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड मेंशन है तो आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही अप्लाई करना है। ऐसे में फ्रंट व्यू नीचे बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है। क्या बताया हमने, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू नीचे बनता है और टॉप व्यू ऊपर बनता है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करना है तो हमेशा ध्यान में रखो फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। तो हम अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से हम यहां ड्रॉ करेंगे और ऐसे में हम फ्रंट व्यू ऊपर बनाएंगे और टॉप व्यू नीचे बनाएंगे। फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। और साइड व्यू कहां बनेगा, देखिए यहां राइट साइड से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। जहां पे एक्स है वहां से देख के आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो अगर आप राइट साइड से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से देख के आप साइड व्यू बनाएंगे। तो लेफ्ट साइड से देख के अगर आप साइड व्यू बनाएंगे तो वो व्यू बनते समय राइट साइड में बनेगा। यहां पे जब आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में बनाएंगे तो वो जो व्यू है वो आपका राइट साइड में बनेगा। तो यहां से देख के आप फ्रंट व्यू बना रहे तो हम यहां लिखेंगे एफ वी। यहां से देख के आप साइड व्यू बना रहे तो हम यहां लिखेंगे एस वी। और टॉप व्यू तो हमेशा ऊपर से देख के ही बनता है तो ऊपर से देख के आप टॉप व्यू बनाएंगे। तो देखो जो फ्रंट व्यू है वो आप राइट साइड से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, राइट साइड से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो बनते समय जो आपका व्यू है वो लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, आप साइड व्यू लेफ्ट साइड से देख के ड्रॉ कर रहे हैं तो बनते समय वो राइट साइड में बनेगा। तो ये देखिए ये राइट साइड में बन रहा है, फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में, साइड व्यू राइट साइड में। फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप राइट साइड से देख रहे हैं इसलिए फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में आया। और साइड व्यू के लिए आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देख रहे हैं इसलिए बनते समय वो राइट साइड में बनेगा। और हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनेगा। तो ये अभी हमें ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो चलो फाइनली फेयर वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमने एक्सिस यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस दैट इज रेफरेंस एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए। ऊपर हम बनाएंगे फ्रंट व्यू, नीचे हम बनाएंगे टॉप व्यू, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करने वाले हैं। और यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ एक और रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली x1y1 एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द गिवन xy लाइन। और यहाँ पे हम साइड व्यू बनाएंगे, साइड व्यू हम राइट साइड में बनाएंगे और फ्रंट व्यू हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे और फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनाएंगे। तो चलिए अगर हमें ये सब ड्रॉ करना है तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट को इमेजिन करो, ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देख के आप इमेजिन करो कि क्या क्या आपको दिखाई देगा। जो भी पार्ट आपको फ्रंट से देखने के बाद दिखाई देगा वो आपको यहां एज अ फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ये ऑब्जेक्ट को जहां पे एक्स लिखा है वहां से देखो, वहां से आप देख के देखो कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे, जो पार्ट हमको दिखाई देगा हम उसको शेडेड कर लेंगे। फ्रंट व्यू हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू के लिए ये ऑब्जेक्ट को इधर से हम देखेंगे और जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम शेडेड करेंगे और जो पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम शेडेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम इसको शेडेड करना स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट दिखाई देगा वो हमें शेडेड करना है। तो ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली आपको इमेजिन करते आना चाहिए। तो ये देखिए अब हम शेडेड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इतना पार्ट आपको फ्रंट से देखने पर, ऑब्जेक्ट को जब आप इधर फ्रंट से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखने पर इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्ट है ये आपको एज अ फ्रंट व्यू आपको जो है यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे ये पोर्शन में आपको एज अ फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, ये जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए तो ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, तीनों बॉक्स आपको जो है फ्रंट में आपको फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ऐसा नीचे दिखाई देंगे। और ये जो ट्रेपेजियम शेप का है ये भी आपको दिखाई देगा। तो ये इतना पोर्शन ड्रॉ करेंगे। अब ये ड्रॉ करने के लिए आपको फ्रंट व्यू का बेस कितना है वो आपको चेक करना है। तो देखिए फ्रंट व्यू का बेस जो है यहां से आपको पता चलेगा, फ्रंट व्यू का बेस ये 25 25 25, तो ये हो गया टोटल 75। तो फ्रंट व्यू का बेस है 75 और फ्रंट व्यू का हाइट कितना रहेगा। तो देखो हाइट पता करना सिंपल है, देखिए यहां से यहां तक का हाइट है 12, ठीक है ना, यहां से यहां तक का हाइट है 12, देन यहां से ऊपर है 25, इट मींस टोटल हाइट हो गया 37, टोटल 37 mm का हाइट हो गया। देखिए यहां से यहां तक का हाइट है 12 mm, ठीक है ना, यहां से यहां तक 12 mm, 12 mm के बाद यहां से आप ऊपर जाएंगे 25 mm, तो ये 12 और ये 25, तो ये हो गया 37। तो ये 37 mm का फ्रंट व्यू का टोटल हाइट रहेगा और फ्रंट व्यू का बेस रहेगा 75, इट मींस 75/37 ये आपको ड्रॉ करना है। बेस रहेगा 75 और हाइट रहेगा 37। तो आइए ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते समय सबसे पहले ये 75/12 का ऐसे आप पहले ऐसे तीन बॉक्स यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अब हम यहां पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेस आपको पहले ही बता दिए हैं, बेस है 75, तो हम यहां बेस ले लेंगे 75 mm का बेस। तो ये हम यहां बेस ले लेंगे 75 mm और आप डार्क बनाएंगे और इसका हाइट हम ले लेंगे 12 mm। तो यहाँ से आप हाइट ले लेंगे 12 mm, तो दोनों साइड से आप 12 mm ऊपर लेंगे।
और हम यहां से भी 12 mm ऊपर ले लेंगे, तो ये देखिए ये हमने 12 mm ऊपर ले लिए और अब इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये 75 by 12 का ये बॉक्स जो है ये ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए 75 by 12 का ये बॉक्स कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम तीन स्लॉट लेंगे, 25 25 के तीन स्लॉट्स है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्लॉट्स लेंगे, तो ये फर्स्ट बॉक्स यहाँ से निकलेगा, सेकंड बॉक्स यहाँ से, थर्ड बॉक्स वहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हम लाइंस बना के ये तीन बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये देखिए यहाँ पे 25 by 12 ये इसका बेस 25 है और हाइट जो है ये 12 है, तो ये 25 by 12 का ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स, इट मीन्स ये नीचे के तीनों बॉक्स जो है, जो नीचे के तीनों बॉक्स है वो हमने ड्रॉ कर लिए। और अब जो है ये देखिए यहाँ से राइट साइड से, देखिए राइट साइड से आप यहाँ से 25 mm ऊपर लेंगे, लेफ्ट साइड का पॉइंट और राइट साइड का पॉइंट कहाँ पे, देखिए लेफ्ट साइड का पॉइंट जो है वो यहाँ लेफ्ट में है, देखिए यहाँ लेफ्ट में है, और जो राइट साइड का पॉइंट है वो यहाँ राइट में है, ठीक है। तो राइट साइड के पॉइंट से, राइट साइड के पॉइंट से, राइट साइड के कॉर्नर से आप यहाँ से 25 mm सीधा ऊपर लेके जाएंगे। तो ये देखिए राइट साइड के पॉइंट से, राइट साइड के कॉर्नर से आप सीधा 25 mm यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, और तो ये हमने और ऊपर 25 mm लेके गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 25 ऊपर गए, फिर इधर रहेंगे 20, ये देखिए इसका लेंथ दिया है 20, यहाँ से इधर 20, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली वो 20 है, तो यहाँ से आप 20 ले लेंगे, हॉरिजॉन्टली 20, तो ये हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली 20 mm हम ले लेंगे, तो ये हमने 20 mm ले लिए। ये देखिए ये हमने 20 mm ले लिए, ये जो लेंथ है 20 mm ये हमने ले लिए, और अब इसको इंक्लाइंडली ज्वाइंट करना है, तो ये इंक्लाइंडली अगर हमें ज्वाइंट करना है तो ये इंक्लाइंडली ऐसे ज्वाइंट होगा। तो ये कैसे ज्वाइंट करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ से इंक्लाइंडली ज्वाइंट करना है, कहाँ तक आना है, तो ये देखिए यहाँ से 20 mm, यहाँ से ये कॉर्नर से 20 mm, ये कॉर्नर से 20 mm छोड़ना है, इसका मतलब ये कॉर्नर से आपको 20 mm छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये जो कॉर्नर है वो यहाँ पे है, ये कॉर्नर से आप 20 mm छोड़ दो, ठीक है ना। तो यहाँ से 20 mm का लेंथ जो है ये हम छोड़ देंगे, तो यहाँ हमने पॉइंट ले लिए, और अब ये देखिए यहाँ से 20 mm छोड़ के हमने ये पॉइंट लिए, और अब हम इसको इंक्लाइंडली ज्वाइन कर लेंगे, तो जो इंक्लाइंड लाइन वहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर एग्जैक्टली मिल जाएगा, तो ये ऐसा ये बनेगा, ये देखिए। तो फाइनली हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिए, जो फ्रंट व्यू हमने वहाँ पे शेडेड किया है वो पूरा शेडेड फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अच्छे से देखिए कि प्रॉपरली बना कि नहीं, ये देखिए ये 25 25 25 के जो तीन बॉक्स है वो यहाँ पे नीचे आ गए, देखिए 25 25 25 के यहाँ पे तीन बॉक्स आ गए, ठीक है। यहाँ से राइट साइड से 25 चढ़ा, देन इधर 20 आया था, तो ये देखिए राइट साइड से 25 चढ़ा, इधर 20 आया, और यहाँ से इंक्लाइंडली ज्वाइन हुआ है, और ये जो इंक्लाइंडली ज्वाइन हुआ है वो यहाँ से 20 mm छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहां से हमने 20 mm छोड़ के इंक्लाइंडली ज्वाइन कर लिए। इसमें डायमेंशंस लिखने का है, ये डायमेंशंस हम बाद में लिख लेंगे, डायमेंशंस बाद में लिखेंगे, पहले हम अब टॉप व्यू बनाएंगे, देन साइड व्यू बनाएंगे, देन हम एट द लास्ट जो है सभी का डायमेंशन लिखेंगे। तो चलो टॉप व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो टॉप व्यू ड्रॉ करते समय क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए, सबसे पहले है टॉप व्यू का बेस और टॉप व्यू का हाइट। टॉप व्यू का बेस और हाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए अगर आपको उसका बेस और हाइट चाहिए तो देखो हम बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो कहीं नोट करके ये लिख के रखो, जितना टॉप व्यू का बेस उतना फ्रंट व्यू का बेस, या उल्टा बोलो जितना फ्रंट व्यू का बेस उतना टॉप व्यू का बेस। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का बेस हमेशा सेम होता है, यहां फ्रंट व्यू का बेस 75 है तो टॉप व्यू का बेस भी 75 रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हो गया। टॉप व्यू का बेस और फ्रंट व्यू का बेस सेम रहेगा, हम यहां पे लिख के यहां पे हम लिखते हैं, देखिए फ्रंट व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको हाइट चाहिए, तो देखो फ्रंट व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, ये अपने लिखे, फ्रंट व्यू का हाइट इज इक्वल टू साइड व्यू का हाइट, क्या बता रहे, फ्रंट व्यू का हाइट इज इक्वल टू साइड व्यू का हाइट, तो हम ये लिख रहे हैं फ्रंट व्यू का जो हाइट रहेगा वो साइड व्यू के हाइट के बराबर रहेगा, फ्रंट व्यू का हाइट इज इक्वल टू साइड व्यू का हाइट। और अब देखिए अब हम क्या बता रहे हैं, जितना साइड व्यू का बेस उतना टॉप व्यू का हाइट, क्या सुने, बिल्कुल सही सुने, जितना साइड व्यू का बेस उतना टॉप व्यू का हाइट, तो जितना साइड व्यू का बेस, देखो साइड व्यू का बेस SVBS, साइड व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू का हाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कैसे फाइंड आउट करना वो हमने ये रिलेशन लिख के यहाँ पे लिखा है, तो ये आप चाहे तो अपने नोटबुक में कहीं लिख के रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोमेट्रिक का यूज़ करके जब भी आप ऑर्थोग्राफिक के प्रॉब्लम ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, जितना फ्रंट व्यू का बेस उतना टॉप व्यू का बेस, जितना फ्रंट व्यू का हाइट उतना साइड व्यू का हाइट, और जितना साइड व्यू का बेस उतना टॉप व्यू का हाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हमें यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो टॉप फ्रंट व्यू तो हमने ड्रॉ कर लिए, लेकिन अब हमें उसके नीचे
टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको टॉप व्यू का बेस और हाइट चाहिए। तो हमने जैसा बताया है फ्रंट व्यू का जितना बेस उतना टॉप व्यू का बेस, तो फ्रंट व्यू का बेस यहां पे हमने 75 लिए थे, तो टॉप व्यू का बेस भी 75 रहेगा, ठीक है। और अब टॉप व्यू की हाइट अगर आपको चाहिए तो टॉप व्यू की हाइट के लिए देखो आपको क्या करना है, टॉप व्यू का हाइट उतना रहेगा जितना साइड व्यू का बेस। टॉप व्यू के हाइट के लिए साइड व्यू का बेस कितना है वो पता करो। साइड व्यू का बेस देखो इधर से देख के आप साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो इधर से देख के अगर आप साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो साइड व्यू का बेस देखो क्या है, साइड व्यू का बेस है 50, तो जो साइड व्यू का बेस वही टॉप व्यू की हाइट, साइड व्यू का बेस है 50 तो टॉप व्यू की हाइट भी 50 रहेगी। तो यहां पे हमें जो टॉप व्यू ड्रॉ करना है उसके डायमेंशन हमें पता चल गए, टॉप व्यू का बेस रहेगा 75 और टॉप व्यू का हाइट रहेगा 50। टॉप व्यू का बेस हमने फ्रंट व्यू के बेस के समान लिए और जो टॉप व्यू की हाइट है वो हमने साइड व्यू के बेस के बराबर लिए। तो फाइनली यहां पे 75/50 का एक ब्लॉक ड्रॉ करना है और टॉप व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो चलो अब हम यहां पे टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे 75/50 के बॉक्स के अंदर में, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के जितने पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू के यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ करो, और यहाँ टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको प्रोजेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सभी के सभी कॉर्नर से जितने आपको पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं सभी कॉर्नर सभी पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करो, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन एक्स वाई एंड पैरेलल टू ईच अदर, और वो आपको फेंट ड्रॉ करना है। तो आइए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी कॉर्नर सभी पॉइंट से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं और अब हमें टॉप व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू ड्रॉ करना कैसे, देखो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या टॉप से देखने पर क्या क्या दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे शेडेड अनशेडेड करना पड़ेगा। देखो इधर से देख के हमने फ्रंट व्यू बनाया तो और फ्रंट व्यू में जो भी पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हमने शेडेड कर लिए। अब हम ऊपर से देख रहे हैं टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से देखने पर ऑब्जेक्ट में क्या क्या दिखाई देगा उसको थोड़ा सा शेडेड कर लो, उससे आपका आपको जो है ऑब्जेक्ट इमेजिन करने में आसानी हो जाएगी कि यहां पे जो टॉफी बनेगा वो क्या बनेगा। तो चलिए ऊपर से देख के हम यहां पे शेडेड करेंगे, जो पार्ट दिखाई देगा उसको हम शेडेड करेंगे और जो पार्ट दिखाई नहीं देगा उसको शेडेड करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये सबसे पहले ये ऊपर से ये आपको ब्लॉक दिखाई देगा तो इसको हम शेडेड कर लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको शेडेड अनशेडेड करना है, आप पेंसिल का यूज़ करके ही उसको शेडेड अनशेडेड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पार्ट दिखाई देगा और ये भी, ये देखिए ये जो पार्ट है ये भी आपको दिखाई देगा, ये जो स्लाइडिंग प्लेट है ये जो इंक्लाइन दिख रहा है ये भी आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए ये जो पोर्शन है ये टॉप व्यू में आपको ये भी दिखाई देगा, ये जो इतना पोर्शन है ये नीचे के सरफेस का पार्ट है तो ये आपको पूरा जो है ये इतना दिखाई देगा। तो देखिए फाइनली इतना पोर्शन जो है हमने जो शेडेड कर लिए, बस ये शेडेड पोर्शन ये जो हमने डॉट डॉट ऐसे जो दिए हैं ये ही पोर्शन टॉप व्यू में आएगा और ये पोर्शन आपको ड्रॉ करना है। तो जब भी आप इसको टॉप से देख के आप ड्रॉ करोगे तो कौन सा पोर्शन कहाँ आएगा वो देखिए, ये देखिए ये जो स्लॉट वाला पोर्शन है ये स्लॉट वाला पोर्शन ऐसा नीचे है, ठीक है ना, स्लॉट वाला पोर्शन ऐसा नीचे है तो जो पार्ट यहाँ पे नीचे है वो यहाँ ड्रॉ करते समय नीचे ड्रॉ होगा, ठीक है ना। जो पार्ट यहाँ पे नीचे है देखिए ये स्लॉट वाला जो पोर्शन है ये जो स्लॉट गया है अंदर 12 mm, तो ये स्लॉट वाला पोर्शन ऐसा नीचे है तो वो आपको ड्रॉ करते समय नीचे ड्रॉ करना है। और ये जो ऊपर का पोर्शन है 25/20 वाला ये जो ब्लॉक है, ये जो एक ब्लॉक है और ये जो स्लाइडिंग ऐसा एक प्लेट दिख रहा है रेक्टेंगल, तो ये जो है ये ऊपर है तो ये ड्रॉ करते समय आपको ऊपर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 75/50 पहले हम ड्रॉ कर लेते, देन उसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये हमने 75/50 का एक बॉक्स बना लिए और इसी के अंदर हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है और वो जो स्लॉट है देखिए ये जो स्लॉट है ये नीचे है तो यहाँ पे वो आपको नीचे ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कौन सा कॉर्नर कहाँ पे देखिए, तो ये सबसे नीचे का ये जो कॉर्नर है देखिए ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर कहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर है, वो राइट साइड या लेफ्ट साइड देखिए, वो राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का ये जो बॉटम कॉर्नर है देखिए, ये जो लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर है ये लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर यहाँ पे देखिए, ये राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर यहां पे है, ठीक है ना, ये जो बॉटम कॉर्नर है वो यहां पे है, ये देखिए वो यहां पे है, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे देखिए यहां से इधर जाएंगे, ये देखिए ये है स्ट्रेट 25,
ये स्ट्रेट 25, देन अंदर 12, देन इधर 25, देन बाहर 12, देन इधर 25, ठीक है। फिर से बता रही, सुनो, ये कॉर्नर से 12 आप जाएंगे, ये 25, देन 12, देन 25, देन 12, देन 25, तो ये आपको ड्रॉ करना है, तो आपका स्लॉट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप इधर जाएंगे 25, देखिए यहाँ से आप इधर जाएंगे 25, देन यहाँ से अंदर जाएंगे 12, ठीक है, यहाँ से अंदर जाएंगे 12, देन इधर आएंगे 25, देन आप नीचे आएंगे 12, देन इधर जाएंगे 25, तो ठीक है। तो चलो हम ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले इधर हम ले लेंगे 25 और अब हम इसको डार्क बनाएंगे, तो ये हमने बनाया 25 और अब यहां से 12 अंदर ले लेंगे, तो ये हमने 12 अंदर ले लिए, ठीक है। यहां से भी आप 12 अंदर ले लेंगे और ये देखिए, ये हमने 12 अंदर ले लिए और अब हम ये स्लॉट शो करेंगे, तो ये हमने स्लॉट शो किए और यहां से 25 नीचे, तो ये हम यहां पे 25 शो करेंगे, तो ये देखिए ये ऐसा बना, ये 25 12, 25, 12, 25, इट मीन्स ये जो नीचे का स्लॉट है ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और अब हमें ऊपर का स्लॉट, ये जो ऊपर का ब्लॉक है ये हमें ड्रॉ करना है। हमने कहा था जो पार्ट ऊपर है यहाँ पे, वो पार्ट यहाँ पे ऊपर आएगा। तो ऊपर का कॉर्नर कहाँ पे, देखिए ये जो ऊपर का कॉर्नर है, ये सबसे ऊपर का कॉर्नर कहाँ पे, वो देखिए राइट साइड का टॉप कॉर्नर यहाँ पे आएगा, देखिए, ठीक है। ये जो राइट साइड का टॉप कॉर्नर जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमने राइट साइड का टॉप कॉर्नर यहाँ ऊपर में आएगा और यहाँ पे आपको वो ब्लॉक ड्रॉ करना है 25x20 का। ये जो ब्लॉक है 25x20 का ब्लॉक, ये आपको ये टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ये 25x20 यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम लेंगे इधर 25, तो ये देखिए ये हमने ले लिए 25, ये देखिए ये आ गया 25, जो क्वेश्चन में जो ऊपर हमने दिखा था 25 वो ले लिए और इधर आप 20 लेंगे, तो 20 आपको मेजर करने की जरूरत नहीं, ये देखिए 20 का लाइन, ये देखिए ऊपर ये जो 20 आपने लिए थे यहाँ से आपने प्रोजेक्टर ड्रॉ किए हैं, बस आपको ये लाइन पे जो है यहाँ से आप इधर 25 लेंगे, तो ये हमने इधर यहाँ पे हमने 20 लिए, ये देखिए ये हमने 20 ले लिए, सॉरी हमने आई थिंक 25 कहा था, तो ये हमने 20 ले लिए, तो अब ये 25x20 यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 25x20 का यहाँ पे एक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया, टॉप कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया, टॉप कॉर्नर से इधर हम 25 गए, ठीक है, इधर हम 25 गए, देन इधर आए 20 का ये एक ब्लॉक बना दिए। और अब जो है प्रॉपरली चेक करो, ये जो स्लाइडिंग प्लेट है वो हमें ड्रॉ करना है, तो वो ड्रॉ करना आसान है, हमें टॉप से ये दिखाई दे रहा है, तो ये ड्रॉ करना आसान है। हमें क्या करना है, ये जो हमने 20 का, ये देखिए यहाँ से हमने इधर 20 लिए थे, 25x20 ये जो लिए हैं, बस ये 20 की लाइन को और आगे एक्सटेंड करो, तो और आगे जब आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ तक देखिए, यहाँ से इधर 20 छोड़ने तक आपको यहां तक आना है, तो ये 20 वाला जो प्रोजेक्टर है वो आपको यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ये जो इंक्लाइंड प्लेट है, ये इंक्लाइंड प्लेट यहां तक आ रहा है, तो यहां से आप पहले तो एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करिए। हमने यहां पे प्रोजेक्टर ड्रॉ नहीं किया है, तो हमें प्रोजेक्टर यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद वो प्रोजेक्टर पे आएगा, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है 20 mm, इधर आपने 20 mm लिए थे, तो यहां से आपको एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हम एक प्रोजेक्टर यहां तो पहले एक ड्रॉ कर लेंगे और वो प्रोजेक्टर तक आएगा, वो इंक्लाइंड जो लाइन है वो वहां तक आएगा। इट मींस ये जो है, ये जो हमने 25x20 यहां बना के रखे हैं, इसको एक्सटेंड करना है यहां तक, इसको एक्सटेंड करो इधर तक। ये देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये जो प्रोजेक्टर है, ये जो प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर तक आपको उसको एक्सटेंड करना है, तो यहां तक एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर वो बन जाएगा। और अब टॉप व्यू की रिमेनिंग एजेस हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ से ये रिमेनिंग एजेस जो है वो आउटर एजेस जो है वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आउटर एजेस ये ड्रॉ करके ये टॉप व्यू को फाइनली हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखो फाइनली हमने ये टॉप व्यू पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये 25 देन 12 अंदर, देन 25 देन 12 बाहर, देन ये 25 और यहाँ पे हमने ये 25x20 का ये एक ब्लॉक बना दिए और हमने उसको जो है वो इधर तक एक्सटेंड किए, क्योंकि ये जो इंक्लाइंड प्लेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई और वो यहाँ से यहाँ तक आई है, तो वो देखिए यहाँ से यहाँ तक आए, और हमने आउटर जो एजेस है वो हमने पूरी तरह से डार्क कर लिया, क्योंकि हमने वहाँ ये देखिए ये ऐसा आउटर जो है वो हमें पूरा इधर से दिखाई दे रहा है, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम एक काम करेंगे, साइड व्यू ड्रॉ करने के पहले फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों के हम यहां पे डाइमेंशंस लिख लेंगे और डाइमेंशंस लिखने के बाद फिर हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, तो हमें आसानी होगी। तो आइए दोनों में डाइमेंशंस लिखना स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए हमने डायमेंशंस यहाँ लिख लिए हैं कहाँ है, और अब हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू टॉप व्यू यहाँ पूरी तरह से बन गया और अब हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। साइड व्यू जो है वो यहाँ राइट साइड में बनेगा। राइट साइड में क्यों बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को जब आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से देखने के बाद जो व्यू है, जो साइड व्यू है, वो आपको राइट साइड में दिखाई देगा। तो आइए साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। तो साइड व्यू का बेस और हाइट कितना रहेगा, तो देखिए साइड व्यू का बेस यहाँ पे, यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो साइड व्यू का बेस आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 50, और साइड व्यू का हाइट कितना रहेगा, तो साइड व्यू का हाइट उतना ही रहेगा जितना फ्रंट व्यू का हाइट रहेगा। देखो हमने यहां लिख के दिया है, साइड व्यू का हाइट उतना ही रहेगा जितना फ्रंट व्यू का हाइट है, और साइड व्यू का बेस उतना ही रहेगा जितना जो है टॉप व्यू का हाइट है। तो टॉप व्यू का हाइट आपने 50 लिए थे, तो जो टॉप व्यू का हाइट है वही साइड व्यू का बेस बन जाएगा। तो साइड व्यू का बेस बनेगा यहां पे 50, और साइड व्यू का हाइट उतना ही बनेगा जितना फ्रंट व्यू का हाइट है। फ्रंट व्यू का हाइट हमने टोटल यहां 37 लिए थे, तो साइड व्यू का हाइट भी 37 हम यहां पे लेंगे। तो चलो यहां पे 50x37 का एक ब्लॉक ड्रॉ करेंगे और वो ड्रॉ करके हम उसके अंदर साइड व्यू बनाएंगे। लेकिन वो आपको डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के सभी पॉइंट से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करना है। यहाँ पे फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर्स और टॉप व्यू के प्रोजेक्टर्स यहाँ पे क्रॉस होंगे। क्रॉस होने के बाद आपको अपने आप यहाँ पे 37x50 का एक यहाँ पे ब्लॉक मिल जाएगा। तो चलो ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स प्रोजेक्ट करने के लिए आपको टॉप व्यू के पॉइंट जो है वो रोटेट करके इधर लेके आना है। तो और फ्रंट व्यू के जो पॉइंट्स है उससे आप डायरेक्टली प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू के पॉइंट से अगर आपको प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करना है तो यहां से आपको रोटेट करके ड्रॉ करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहां पे 45 डिग्री एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करके यहां के पॉइंट से प्रोजेक्टर वहां पे लेके जाओ, फिर वहां से आप ऊपर लेके जाओ, ये भी एक तरीका है, या फिर आप टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स यहां तक प्रोजेक्टर्स लेके आएंगे और ऐसे उसको रोटेट करेंगे बाय यूजिंग कंपास। कंपास से रोटेट करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो भी बनता, चॉइस आपका है। चलो हम एक काम करते हैं, यहां पे 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पॉइंट्स के प्रोजेक्टर वो 45 डिग्री इंक्लाइंड पे लाएंगे और वहां से ऊपर लेके जाएंगे, ये सबसे आसान तरीका है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिए और अब हमें ये 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, ये 45 डिग्री एंगल पे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने 45 डिग्री के लाइन यहाँ पे 45 डिग्री इंक्लाइन हमने बना लिए। हमने यहाँ एंगल वगैरह यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, बस ये 45 डिग्री आपको लेना है और अब यहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट से प्रोजेक्टर्स आप ये लाइन तक लेके जाएंगे और फिर यहाँ से वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे। और सभी लाइंस जो है वो एकमेक को एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए, पैरेलल होना जरूरी है। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे सभी टॉफी के पॉइंट्स, सभी टॉफी के जो कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर से प्रोजेक्टर्स आपको ड्रॉ करना है, और ये आपको फेंट ड्रॉ करना है, इसको डार्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर्स और टॉप व्यू के प्रोजेक्टर्स यहाँ पे क्रॉस करा के हमने यहाँ पे साइड व्यू के लिए पूरा वर्क यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये बेस होगा यहाँ पे 50 mm का और इसका हाइट रहेगा 37, तो ये 50x37 ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे कि जब आप साइड से देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो साइड व्यू में क्या क्या आएगा। तो देखिए, जब आप साइड से देखेंगे तो आपको साइड व्यू में ये एक पोर्शन दिखाई देगा। देखिए, ये जो नीचे का ये जो बॉक्स है ये आपको दिखाई देगा, और जो है ये जो इंक्लाइन प्लेट है जो आपने टॉप व्यू में यहां पे डॉटेड किए थे, तो वो इंक्लाइन प्लेट भी आपको साइड व्यू में दिखाई देंगी। तो ये जो इंक्लाइन प्लेट है ये कॉमन रहेगा साइड व्यू के लिए भी और टॉप व्यू के लिए भी, तो ये भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये साइड व्यू में भी आएगा। तो ये हमें साइड व्यू में भी ड्रॉ करना है, हमने टॉप व्यू में भी ड्रॉ किया है और अब हमें इसको साइड व्यू में भी ड्रॉ करना है। तो चलो इतना हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पे 50 बाय इसका ये जो नीचे का बॉक्स है ये 50x12 का है, इसका हाइट 12 है, तो ये 50x12 का नीचे का बॉक्स बना लेंगे और फिर हम ये स्लाइडिंग ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये जो सॉरी ये जो इंक्लाइंड प्लेट है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो आइए ये 50x12 का छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखिए, ये 12 की हाइट यहाँ पे है, देखिए ये जो 12 की हाइट है, बस आपको ये 12 के हाइट में ही आपको ड्रॉ करना है और इसका टॉफी का हाइट 50 है, तो ये 50 यहां से यहां तक आया, यहां से इधर गया। तो ये देखिए, यहां 50x12 का यहां पॉइंट्स ऑलरेडी है, देखिए ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यहां से यहां तक 50 है, देन ये हाइट 12, तो ये 50x12 ऑटोमेटिकली यहां पे बन जाएगा, बस आपको यहां पे ड्रॉ करना है।
तो ये देखिए ये हमने 50 बाय 12 का ये हमने ड्रॉ कर लिया है और अब हमें ये स्लाइडिंग प्लेट ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ करना आसान है, ये देखिए ये इसके लेफ्ट साइड में है, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ये जो स्लाइडिंग प्लेट है वो लेफ्ट साइड में है। तो ये कॉर्नर कहाँ पे देखिए, ये राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर जो है वो राइट साइड में है और लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर से आपको सीधा ऊपर जाना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर से सीधा ऊपर जाएंगे। आप चाहे तो फ्रंट व्यू में चेक कर लो, देखो फ्रंट व्यू में ये जो इंक्लाइन प्लेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा ऊपर तक जा रहा है। तो ये प्लेट आपको यहाँ पे एज अ रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ से नीचे से पूरा ऊपर तक जा रहा है और ये देखिए ये जो प्लेट है वो स्लाइडिंग प्लेट यहाँ पे है, यहाँ पे है वो इंक्लाइन प्लेट। तो यहाँ से आपने ये यहाँ पे ड्रॉ करना है, देखो इतने पोर्शन में आपको ड्रॉ करना है। तो आइए ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये हमने वो स्लाइडिंग प्लेट जो है इंक्लाइन वो हमने ड्रॉ कर लिया है, एज अ रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है। तो ये हमने इतना बना लिया। अब हमने साइड व्यू में एक और पोर्शन ड्रॉ करना है, हमें जो दिखा वो हमने ड्रॉ किए, हमें ये बॉक्स दिखा तो हमने ये बॉक्स बना लिए, हमें ये स्लाइडिंग प्लेट दिखा तो वो भी हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए। लेकिन एक ऐसा पोर्शन है जो आपको दिखाई नहीं देगा, तो जो पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा उसकी एजेस आप हिडन एजेस इट मीन्स आप हिडन लाइंस ड्रॉ करेंगे, इट मीन्स आप डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए जब आप साइड व्यू में आते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को साइड से देख रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है ये देखिए ये जो बॉक्स है ये साइड व्यू में आता है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो इसकी एजेस जो है वो डॉटेड आएंगी, इट मींस उसकी एजेस आपको हिडन लाइंस के थ्रू शो करना है। ठीक है, ये जो बॉक्स है, ये जो छोटा सा बॉक्स है, ये जो डेप्थ अंदर गया है, ये फ्रंट व्यू में भी नहीं दिखा, ये टॉप व्यू में भी नहीं दिखा, वो साइड व्यू में आपको दिखाई देगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को साइड से देखने का प्रयास कर रहे हैं तो ये जो है ये इतना बॉक्स जो है ये साइड व्यू में आता है, लेकिन ये साइड व्यू में हमें डायरेक्टली आमने सामने दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो बॉक्स है ये स्लॉट के पीछे छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसके एजेस जो है वो यहाँ पे डॉटेडली शो करेंगे। तो वो कैसे शो करेंगे, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये टॉप व्यू में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो टॉप व्यू में वो स्लॉट हमारे पास है, देखिए ये टॉप व्यू में ये स्लॉट हमारे पास है, ये देखिए इसका डेप्थ हमने यहां से 12 mm अंदर यहां पे लिए थे, ये स्लॉट हमारे पास है। तो ये स्लॉट का एज जो है वो आपको साइड व्यू में ड्रॉ करते समय हिडन लाइंस के थ्रू इट मींस डॉटेड लाइंस के थ्रू यहां पे शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, देखिए ये देखिए इसका प्रोजेक्टर जा रहा है, बस आपको प्रोजेक्टर को फॉलो करना है। ये देखिए ये 12 mm अंदर गया था तो ये प्रोजेक्टर जा रहा है, ये देखिए यहां से यहां तक आया, देन यहां से यहां तक आया। देखिए ये इतने पोर्शन में आपको यहां पे हिडन लाइंस ड्रॉ करना है, यहां पे आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। तो आइए यहां पे ड्रॉ करेंगे हिडन लाइन इट मींस डॉटेड लाइंस। तो ये देखिए ये हमने डॉटेड लाइन इट मींस हमने हिडन लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। जब आप ऑब्जेक्ट को साइड से देख रहे हैं तो जब आप साइड से देख रहे हैं तो ये जो एज है ये अंदर का ये जो एज है ये वर्टिकल छोटा सा एज जो है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो एज हमने यहाँ पे हिडन लाइन के थ्रू शो किया है। तो साइड व्यू आपका पूरी तरह से तैयार है और अब हम साइड व्यू में डायमेंशन शो करेंगे और डायमेंशन शो करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट लेक्चर और ये था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम। ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया था, ये आइसोमेट्रिक व्यू इट मींस थ्री डायमेंशनल व्यू। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू का यूज करके हमने ये ऐसा टू डायमेंशनल व्यू इट मींस हमने ऑर्थोग्राफिक व्यू यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो ये था फर्स्ट लेक्चर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है पूरा प्रॉब्लम समझ में आया है। आप ये ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। वैसे इसके पहले हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में नंबर ऑफ टॉपिक्स इसके पहले कवर किए थे, तो अगर आपने इसके पहले के सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।